हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। आज यहाँ इंदौर में SIT की बैठक हुई थी और लगभग 4 घंटे इस दोनों जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं उसके विभिन्न पहलुओं पे चर्चा हुई है। टीम के मेंबर्स उपस्थित थे और एक जो डिटेल लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसमें SIT के परव्यू में जो जो इंक्वायरी की जानी है उसके सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई है और सभी टीम मेंबर्स को टास्क असाइन किए गए हैं और नेचुरल कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो भी बिंदु आते जाएंगे उसमें इसके प्रकरणों से दोनों प्रकरणों से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर विस्तार से इसमें जाँच की जाएगी। मैम इनका जो इनका कि उसमें NGO में जो फंडिंग आती है और जो पैसा का रोटेशन होता है उसकी भी जांच इंदौर पुलिस को इन दोनों प्रकरणों में जो भी आरोपी हैं उनके जो संपत्ति के डिटेल्स हैं उसके बारे में जांच पृथक से होगी। वो जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होंगे उससे जुड़े हुए बिंदुओं पर होंगे। NGO को लेकर कुछ है कोई बिंदु ऐसा आ रहा है कि NGO नाम आया उसमें मुख्यतः जो कि ये जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं उसमें ये एस्पेक्ट है कि आरोपियों ने इस तरह से ब्लैकमेलिंग करके और जो मानव दुर्व्यापार का जो प्रकरण है जो ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं उनसे अवैध कमाई अर्जित की है। उसमें इनके जो भी कंपनीज हैं या जो भी इनके जो वैध और अवैध संपत्ति के जो स्रोत हैं उसके बारे में जांच में जो भी बिंदु आवश्यक होंगे उस पर परीक्षण किया जाएगा। अभी नहीं जैसा मैंने बताया कि किसी भी प्रकरण में जो आरोपियों की भूमिका होती है उसमें अगर अपराध है अपराध से जुड़े हुए अगर कोई आय के स्रोत हैं तो उससे संबंधित इंक्वायरी के लिए यदि आवश्यक होगा तो उसमें जो फाइनेंशियल जो एजेंसीज है जो फाइनेंस पे डील करती हैं उनसे आवश्यकता पड़ने पर उनसे भी सहयोग लिया जाएगा। आरती जो है अभी बात करने का नाटक कर रही है या उससे वो आपकी हेल्प नहीं कर रही विभाग के किसी प्रकार के कुछ समस्या की शिकायत पर उसका विस्तृत परीक्षण मेडिकल परीक्षण कराया गया है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार उसकी सभी जांचें नॉर्मल हैं और वो सामान्य और ठीक ठाक है।